तुमको जगह लग रहा है कि मेरे दशा नहीं बदल रही, मैंने दिशा बदल कर देख लिया, मैंने घर का रुख बदल कर देख लिया, दुकान बदल कर देख ली, सब कुछ बदल कर देख लिया, आज साउंड सेट नहीं है, तुमने घर का फर्नीचर बदल कर देख लिया, सब कुछ बदल कर देख लिया, तो अब एक महीना शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक एक नियम बना लो, एक चावल का दाना, केवल एक, ज्यादा नहीं, केवल एक, एक चावल का दाना जो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है सामने, एक चावल का दाना जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, बस उस पर एक चावल का दाना चढ़ाने का एक नियम आप बना लीजिए। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? कौन कौन जाता है, जरा हाथ उठाओ सभी लोग। हाँ ठीक है, रखो रखो, धन्यवाद, प्रणाम आपको, नमन, जो आप भगवान शंकर के मंदिर जाते हो। बहुत जरूरी है शिव के मंदिर जाना, भगवान के मंदिर जाना। ये विधर्मियों ने जो हमारे मंदिरों को पूर्व में तोड़ा है ना, उसका कारण कोई दूसरा नहीं था, उसका केवल एक ही कारण था कि हमारे सनातनियों ने मंदिर जाना छोड़ दिया था, इसलिए उन्होंने तोड़कर अपना अपना स्थान बना लिया। अगर सनातन मंदिर जाता रहता, आप मंदिर की देहली चढ़ते रहते, रोज मंदिर में एकाग्रित होते रहते, मंदिर में इकट्ठे होते रहते, तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं थी कि मंदिर की ओर आंख उठाकर भी देख ले। शिव महापुराण की कथा केवल एक ही काम करती है कि रोज मंदिर जाओ। जो हमारे मंदिरों में से मूर्तियों को तोड़ा गया, हमारे मंदिरों में से सोना निकाल लिया गया, हमारे मंदिरों को खंडित कर दिया गया, उसका कारण केवल एक था कि सनातनियों ने मंदिर जाना छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि इन विधर्मियों ने ऐसी चाल चल दी थी कि मंदिर मत जाया करो, भगवान नहीं है, देवता नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, और लोगों ने अपनी चाल चल चल कर तुम्हें मंदिर से दूर कर दिया, और उन्होंने मंदिर पर कब्जा कर लिया। रोज जाओ मंदिर शिव को जल चढ़ाने के लिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। कभी तो सुनेगा, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक के बीच में एक नियम बना लो कि मैं जल चढ़ाने रोज जाती हूं, एक चावल का दाना मैं अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगा, केवल एक चावल का दाना समर्पित। कब करना है? जब आपका शंकर भगवान पे जल समर्पित हो जाए, शिवजी पर जल आप चढ़ा लो, चढ़ाने के बाद वो चावल का दाना जो आप अपनी पल्लू में बांध के लाई हो, या गठरिया में बांध कर लाई हो, या जो जैसे भी भाव से आप लेकर आई हो, डलिया में, पल्लू में, जैसे आप लाए वो चावल का दाना बांध, उस एक चावल के दाने को एक महीने तक आप रोज चावल खाना लेकर जाओ, रोज चढ़ाओ, अपनी कामना कर बाबा मैंने दिशा बदल कर देख ली, दुकान बदल कर देख लिया, व्यापार बदल कर देख लिया, घर बदल कर देख लिया, काम बदल कर देख लिया, पर मेरी दशा नहीं बदल रही, अब ये मैंने चावल का दाना, चावल का मतलब होता है अक्षत, सबसे पहला अक्षता, सबसे पहला अक्षता। कभी अगर मौका मिलेगा ना, तो ऐसी ही कोई शिव महापुराण की कथा में हम जो कल्याण के अंक पढ़ते हैं, जिन जिन कल्याण को हम पढ़ते हैं, कल्याण का अंक जो निकलता है उसको हम पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें मिलती हैं। कभी अगर मौका मिलेगा तो एक बार कल्याण का अंक शिव का, हम आपको एक एक पृष्ठ का दर्शन कराएंगे कि उस पृष्ठ पर क्या लिखा। स्वयं अन्नपूर्णा महारानी काशी में विराजमान होकर नंदी पर बैठ कर आए हुए देवाधिदेव महादेव की साक्षी में कहती है, स्वयं अन्नपूर्णा महारानी काशी की पवित्र भूमि पर नंदी पर बैठ कर आए हुए भगवान शंकर से कहती है, भोले बाबा, हे शिव, हे शंकर, हे विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाले हे विश्वनाथ, मैं आपको क्या दूं? मैं आपको क्या प्रदान करूं?
अन्नपूर्णा महारानी कहती है कि मैं आपको क्या दूं जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण हो जाए और आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो जाए और मेरी भी दशा बदल जाए। मैं आपको क्या दूं, क्या प्रदान करूं मैं आपको? दुनिया के लोग कहते होंगे कि भगवान को सोना देना, चांदी देना, हीरा देना, पन्ना देना, रतन देना, आभूषण देना कल्याण का अंक कहता है। अन्नपूर्णा जी कहती हैं कि मुझे आपको क्या प्रदान करूं? भगवान शंकर मुस्कुराकर कहते हैं, अन्नपूर्णे केवल एक अक्षता तुम मुझे देती है तो मैं तुझे तेरी दशा भी बदल सकता हूं और तेरी दिशा भी बदल सकता हूं, तुझे अन्नपूर्णा माता के स्वरूप में पुजवा दे सकता हूं। एक अक्षत का दाना, तिलक लगाते हैं मेरी जीजियां, तिलक लगाती हैं, तिलक लगाती हैं तो चावल लगाती हैं कि नहीं लगाती हैं? बोलो, जम के बोलो जरा, लगाती हैं ना। तिलक में चावल लगाया जाता है, चावल का मतलब क्या होता है? तिलक लगाने के बाद अक्षत क्यों लगाया गया? उसका कारण है कि भगवान मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना कि ये जो मैंने चावल का मतलब होता है कि ये घड़ी वापस देखने को मिले। आज मैं अगर यजमान बना हूं, आज अगर मैंने आज पूजन करी है, आराधना करी है, यज्ञ करा है, अनुष्ठान करा है, देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करी है, मैंने कोई हवन करा है, पंडित जी ने तिलक लगाया, चावल लगाया, चावल का मतलब है कि ये बार बार यजमान बनता रहे, ये बार बार ऐसी कृपा भगवान करे कि इसके ऊपर ऐसी करुणा हो कि ये बार बार कथा कराते रहे, ये बार बार यज्ञ कराते रहे, ये बार बार अनुष्ठान कराते रहे। अक्षत का मतलब पुनरावृत्ति, बार बार हो। सनातन धर्म में किसी के मरने के बाद में मस्तक पर तिलक नहीं लगाकर चावल नहीं लगाया जाता। बोल, लगाते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है कि यह जो घटना घट गई, भगवान इस घटना के बाद दूसरी घटना ना घटाए, इसलिए चावल का प्रयोग ही नहीं, अक्षत का प्रयोग ही नहीं। मस्तक पर तिलक के बाद फिर चावल नहीं। एक अक्षता, एक बेलपत्र और एक लोटा जल, यह हमारी जिंदगी की सार्थकता है। एक अक्षत, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, यह कथा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक एक चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, सबको स्मरण में है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो चावल का दाना कब चढ़ाना है? जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करें। जल समर्पित करा, अपने घर की ओर आ रहे हैं, उसके पहले चावल का दाना अपनी पल्लू में से खोल कर निकाला, चढ़ाया, भगवान को प्रणाम करा, बाबा बहुत कुछ कर कर देख लिया पर दशा नहीं बदली, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जवानी बाबा डोर हंतो छड़ना कटी भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती बामा डोर हल्तो छड़ना मैं कटी।